राम राम भाई सब ने, आज है रक्षाबंधन, आप सब ने रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले उठ कर नाका भाई मैं भी आ गई थी अपने मंदिर में। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू राधा का स्नान और श्रृंगार कर दिया था, क्योंकि आज भाई मेरे लड्डू देखो बहुत ज़्यादा खुश है। आज यो नाना के घर जाओगा, मैं एक बार इन साल में भाई नाना के घर लेकर जाया करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने कह रखी है कि त्यौहार रक्षाबंधन के त्यौहार पर इन दोनों ने जरूर लेकर आया करे। तो मैंने अपने दोनों बच्चे भाई नवा कर रेडी कर दिए थे, सुंदर इन तक कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि आज ये भी अपने नानू के घर जाएंगे। उसके बाद भाई मैंने अपनी धूप दीप कर ली थी, और देखो राखी है तो सबसे पहले भाई राखी समर्पित करनी अपने भगवान जिया कहे चाहिए। मैं मैया की भाई मेरे मन में मैया के लिए बहुत ज़्यादा आस्था है, तो मैंने सबसे पहले अपनी मैया के चरणा में राखी समर्पित कर दी थी। भाई वाह बात है, भगवान जी तो राखी समर्पित करो, जितने भी संकट है ना सब वे काटेंगे, और किसी के बस की नहीं है। उसके बाद बेटी भी नाली थी, तो लड्डू राधा ने मैं दोनों अपने बच्चे बना के लाई हूँ, तो बेटी लड्डू और राधा दोनों के राखी बांधेगी। भाई सबसे पहले भगवान जी के राखी बांध के हमने तो सबके लिए मंगल कामना की थी भाई, कि जिस जिसके भी भाई राखी बांध है या जिसके ना भी बांध है, सबके भाई भतीजे नू सारी उम्र बने रहो भाई। फिर उसके बाद राधा के भी राखी बांध दी थी, दोनों बच्चा के राखी बंध चुकी हैं। उसके बाद भाई वाह बात है, इव देखो भाई है मेरी, तो बेटी का लड्डू मैं तो बेटा बना के लेकर आ रही हूँ। लड्डू को बांधी है भाई राखी, और लड्डू से मिला इसको गिफ्ट में पैसे, है ना लड्डू? थैंक यू। उसके बाद हम सब रेडी थे घर जाने के लिए। घर पे मैंने सारा काम वगैरह ख़त्म करके भाई मैया रानी से मैंने अनुमति ले ली थी, मैं अपनी मैया रानी ने साथ लेकर जाया करूँ भाई, जित भी जाया करूँ। मानसिक रूप से लड्डू राधा बिल्कुल रेडी थे नाना के घर जाने के लिए। इनकी छोटी सी टोकरी में मैंने इनको बिठा लिया था, और हम चल पड़े थे भाई। सब इनका हमसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये साल में एक ही बार जाते हैं, और मेरी मम्मी को तो बहुत इंतज़ार रहता है इनका। घर पे पहुंचने के बाद भाई मम्मी ने लड्डू राधा दोनों की आरती की। फिर भाई मैं राखी पे मम्मी अर्थी कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके जाया करूँ। मैंने मम्मी ते गिफ्ट दे दिया था, राखी पे बंधेंगी नहीं, क्योंकि 1:30 बजे के बाद है बंधेंगी राखी ते। इतना अपने चाय पानी पिया भाई, इतने राखी बांधने का टाइम हो गया था। फिर मैंने राखी बांधनी शुरू करी, सबसे पहले मैंने अपने भाई के राखी बांधी थी, उसके बाद भाई और भाभी के राखी बांधी, और मैं सबके राखी बांधा करूँ भाई। अपने घर आ जाके भाई भाभी के तो बंधनी है बंधनी वो है, मम्मी पापा के भी दोनों आके मैं राखी बांधा करूँ भाई घर आ जाके। मेरे राखी बांधने के बाद भाई बच्चे अपने राखी बांधने लग गए थे, बेटियां ने बांधी अपने भाइया के राखी। इस तरह भाई हम सारा दिन इंजॉय करते और अपने सेलिब्रेट करे हमने। उसके बाद भाई हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले हमने सबने दही बल्ले खाए भाई, जो मैंने बनाए थे। ले बेटा ले जा अपना, ये मैंने घोर में कबली हूँ बस ले। उसके बाद भाई हमने खाना खा लिया था। खाना खाने पीने के बाद मैं आ गई थी अपने मम्मी और ने सब्जी लगा रखी है, सब्जी तोड़न थे ऑर्गेनिक, क्योंकि जन्माष्टमी पे मैं घिया की बर्फी बनाऊंगी। फिर मम्मी ने बोली घिया थे अच्छी सारी अपने प्लॉट में लाग रही थी, मेहर मम्मी आ गए थे प्लॉट में घिया तोड़न, और देखो भाई खूब अच्छी बड़ी लंबी सारी घिया लाग रही थी। 3-4 घिया मैं तोड़ कर लेकर आई हूँ जन्माष्टमी से ही। एक दो दिन के बाद मैं इनकी घिया की बर्फी बनाऊंगी। तो इस तरह भाई हमने अपने चलन की वहाँ से तैयारी कर ली। आज के ब्लॉग में भाई स्वागत है, रीप हम जाओ अपने जरा आप पाछे देख सको कभी भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। आज तो हमने भाई बहुत चिप्स खाए थे, वो रास्ता भी काफी साफ है, और फिर
और फिर तब मैं बाहर देखो भाई व्यू मतलब व्यू कुछ है ना, पर देख लो फिर भी। तो फिर इस तरह भाई बच्चा के साथ मस्ती करते और हम अपने वापिस आए। बेटे की मस्ती में पता ही ना चल रहा टाइम कद गया। घर पाने के बाद भाई ये नणंद आ गई थी ते मैंने इन तई भी दही बल्ले दिए भाई अपने बड़ाए और खान थी। ओए दही बल्ले मने भी स्वाद लागे मेरे स्वाद बताओ दीदी खा रही किसे लागे कति बढ़िया लागे बताओ मम्मी किसे लागे दही बढ़िया लागे तो तेरे स्वाद है कल की बढ़िया है। एक एक करके भाई सारी नणंद आन लगी थी। फिर हमने अपने घर पे आके रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया भाई। इस तरह सारा दिन कुकर चला गया पता भी नहीं चल रहा। उसके बाद भाई राखी बंधवा के मैंने रात के खाने की तैयारी कर ली थी और यो रक्षाबंधन स्पेशल भाई मैंने डिनर बनाया है। इस तरह हमने अपना सारा दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया भाई। त्यौहार तो अपने अपना के साथ खुशी तो मनाए जा है। तो यह मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपने पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और भाई चैनल ने भी सब्सक्राइब जरूर।